से हम सबको जो है मार्गदर्शित करने की कृपा करें। आदरणीय वाइस चांसलर सर, प्रोफेसर श्री प्रकाश त्रिपाठी सर, धन्यवाद। प्रोफेसर राघवन, हमारे विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय योजना इकाई की ओर से आयोजित स्वतंत्र आंदोलन के मूल्य विषय पर मुख्य अतिथि मेरे अत्यंत आत्मीय प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी, यशस्वी कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, मुख्य वक्ता मेरे मित्र प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा जी, पूर्व संकाय प्रमुख समाज विज्ञान संकाय जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, राष्ट्रीय योजना कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, हमारे विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अधिष्ठातागण, अध्यक्षगण, आचार्यगण, सभी शिक्षकगण, अधिकारीगण, इससे जुड़े हुए जितने स्वयं सेवक हैं और वे सभी जो आज के कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में संबद्ध हैं, सहयोग कर रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, देख रहे हैं अथवा सुन रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अनंतर आज का कार्यक्रम आयोजित है और मुझे अच्छे प्रसन्नता है कि दो ऐसे वक्तव्य हुए जो निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक होने के साथ ही साथ प्रेरक भी हैं और इनसे एक नई दृष्टि मिलती है। विषय तो समृद्ध होता ही लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसमें बहुत उपादेय बातें कही गई। हम आप अब उस अमृत महोत्सव में सम्मिलित और मनाने की प्रक्रिया में हैं, जिसके माध्यम से भारतीय स्वातंत्र आंदोलन के मूल्य और सेनानियों के योगदान को हम याद करते हैं और पाथेय के रूप में लेकर हम राष्ट्र को महानतम राष्ट्र बनाने के पथ पर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बातें हुई और आगे भी होती रहेंगी। इस संदर्भ में प्रोफेसर सरोज वर्मा जी बोल रहे थे और प्रोफेसर मिश्रा जी, मैं ध्यान से सुन रहा था। जहां तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय स्वातंत्र आंदोलन के मूल्यों की बात है, तो वस्तुतः यह आंदोलन तो 1857 से शुरू हो गया, जब मंगल पांडे जी ने इसका श्रेय गणेश किया। बाद में इसके महानायक बने महात्मा गांधी और महत्वपूर्ण नायक के रूप में वह भी महानायक हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाल बाल पाल, नेहरू जी, जितने वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे नाम हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत से नाम। इन नामों की तो एक श्रृंखला है और जिसके ऊपर विचार करना, वक्तव्य देना बहुत सहज संभव नहीं है। असीमित प्रतिभा के धनी, अदम्य उत्साह के धनी ये सारे नायक रहे हैं और स्वतंत्र आंदोलन की नायिकाएं रही हैं। जब हम मूल्यों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से स्वतंत्र आंदोलन में भारतीय सनातन परंपरा और संस्कृति के मूल्य समाहित थे, जिसकी ओर क्रमशः आप लोगों ने, प्रोफेसर वर्मा जी ने, प्रोफेसर मिश्रा जी ने संकेत भी किया। आरंभ हम जब भी करते हैं तो अहिंसा और सत्य से करते हैं। वस्तुतः उस आंदोलन की धुरी ही थी सत्य, प्रेम और करुणा, और करुणा अहिंसा का सबसे विशद विराट रूप। हमारे यहाँ की मान्यता में अहिंसा के लिए कहा गया, अहिंसा परमो धर्म श्रुत स्मार्त एवचा, अहिंसा परम धर्म है, ऐसा श्रुतियों में और स्मृतियों में कहा गया, मानस में कहा तुलसीदास जी ने। जो अहिंसा है यह जन कल्याण का सबसे बड़ा साधन है, आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा साधन, परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, ऐसा माना जाता है कि परम धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। केवल धर्म ही नहीं है, आचरण का नियम भी है। में समाहित करने के पीछे गांधी जी का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाव, अहिंसा के माध्यम से हम एक संगठन तैयार करेंगे और यह संगठन धीरे धीरे व्यापक संगठन बनेगा और संगठन की शक्ति के आगे जो ब्रिटानी हुकूमत है वह पराभूत है। इसलिए आंदोलन में जो मूल्य समाहित थे वह हमारी परंपरा के मूल्य थे, सामाजिक समता, सामाजिक समरसता,
लैंगिक समानता और सहभागिता, ये प्रमुख मूल्य थे। पूरे समाज के सारे सदस्य, चाहे वो जहां से भी आते हों, देश के जिस कोने से आते हों, जिस वर्ग वर्ण से आते हों, जिस धर्म से आते हों, सबको एक समान उपाधि स्वतंत्र आंदोलन। नर नारी दोनों की भागीदारी सुनिश्चित किया महात्मा गांधी ने, और जब सबकी भागीदारी सुनिश्चित हुई तो स्वतंत्र आंदोलन जन आंदोलन बना। और किसी भी व्यापक जन आंदोलन के सामने जो विदेशी सत्ता है, अस्थाई हुकूमत है, वह रह नहीं सकती। फलतः हम सफलता की ओर बढ़ते हुए, एक मूल्य था अहिंसा, जिसके गायक आधुनिक दौर में महात्मा गांधी, पहले बुद्ध, महावीर ये रहे। दूसरी उनकी जो मान्यता थी, जिस पर गांधी जी पढ़ते रहे, वो था सत्य, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता, इसलिए सत्याग्रह के माध्यम से असहयोग आंदोलन ये हमारी स्वतंत्रता के आधारभूत स्तंभ सब चलते रहे। गांधी जी ने सत्य के साथ प्रयोग किया। सत्य पर टिके रहना बहुत सहज नहीं, लेकिन आजीवन सत्य प्रति रहते हम लोगों को इस मूल्य का पालन करना चाहिए, सत्य का अनुसरण करना चाहिए, पालन भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी सनातन व्यवस्था में तो सत्य को ही नारायण कहा गया, और नारायण को प्राप्त करने के लिए सत्य बोलना जरूरी। सत्य बोलने वाला व्यक्ति विवेकी होता, और विवेक आपसे कभी गलत नहीं करेगा। इसलिए जितने आचार्य हुए उन्हें विवेकी कहा जाता, या केवल परम विवेक। ये मूल्य थे हमारे स्वतंत्र आंदोलन के, सत्य, अहिंसा, विवेक, जिसको लेकर हम लोग क्रमशः आगे। सांस्कृतिक चेतना भी उन मूल्यों में समाहित थी, और भारत की जो सांस्कृतिक चेतना है तीन स्तंभों को लेकर चलती है, तीन विभाग लेकर के चलती है, जिसका पहला है एसिमिलेशन, दूसरा है वैलिडेशन, और तीसरा है सेलिब्रेशन। कि हम आत्मसातीकरण में विश्वास करते हैं, दुनिया में जहां कहीं से भी जिस प्रकार के लोग आए हमने उन्हें स्थान दिया, उनकी विचारधारा को माना, उनकी जो शैली है जीवन शैली उसे स्वीकार किया, आत्मसात किया, उनकी जो मान्यताएं परंपराएं थी उनको भी मैंने विधिक स्वरूप दिया। और सबसे बड़ी बात कि हम उत्सव धर्मी, हमारी संस्कृति उत्सव धर्मी, उत्सव धर्मिता इस प्रकार की कि अगर हम शहीद होने के लिए भी चलते हैं, उत्सर्ग करने के लिए चलते हैं, तो अभी एक उत्सव होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे फांसी के फंदे पर राष्ट्र के लिए गीत गाते हुए हमारे बलिदानी लटके। तो हर स्तर पर हमारे यहाँ उत्सव मनाया गया, इसे त्याग का भी उत्सव कहते हैं, अनुराग का भी उत्सव कहते हैं, त्याग जीवन का, सुविधाओं का, संसाधनों का राष्ट्र के लिए, और केवल राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की एकता के प्रति, राष्ट्र की अखंडता के प्रति, राष्ट्र की स्वतंत्रता के प्रति। ये अनुराग और त्याग साथ साथ चला जो हमारे स्वतंत्र आंदोलन के मूल्य। इन्हीं मूल्यों में सहिष्णुता, सहजता, सरलता, सक्रियता, समन्वय, सद्भाव और सहयोग, ये सारे स्वतंत्र आंदोलन के मूल्य थे, जिसके कारण ही देश के सभी लोग एक दूसरे से जुड़े। स्वभाषा, स्वदेशी, स्वावलंबन का संदेश और संकेत निरंतर मिलता रहा। गांधी जी का चरखा स्वावलंबन होने का एक प्रतीक था कि हम अपनी परंपरा को अक्षुण रखेंगे, इसे विस्तार देंगे, इसे आधुनिक बनाएंगे। गांधी जी ने जब कहा कि खादी वस्त्र नहीं विचार है, तो उसके मूल में दो बातें, एक तो हमें आत्मनिर्भर होने के लिए जो हमारे कुटीर उद्योग हैं इनका सम्मान करते रहना है, और दूसरा हमारे पास जो है उसका हमें प्रयोग करना है, बाहर की चकाचौंध के प्रति आकर्षित नहीं हो। हमारे पास सब कुछ है, गांधी जी ने कहा कि प्रकृति ने हमारी आवश्यकता का पर्याप्त विधान किया है, लेकिन कोई व्यवस्था हमारे लोभ का समाधान नहीं करता है। लोभ पूर्ति के उपाय दुनिया में कहीं नहीं, लेकिन आवश्यकता पूर्ति का संसाधन प्रकृति ने दिया। हमारे स्वतंत्र आंदोलन में प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति बंधन का भी विधान है कि हम जहां भी रहें अपने परिवेश को साफ रखें, सुरक्षित रखें, समृद्ध रखें। हमने, आपने सभी ने देखा है कैसे कोरोना काल में वह क्षेत्र कम प्रभावित हुआ कोरोना से जो प्रकृति के ज्यादा। हमारे स्वतंत्र आंदोलन के मूल्यों में
पुरुष और प्रकृति दोनों को महत्व दिया गया, जड़ और चेतन दोनों को महत्व दिया गया, आस्था के केंद्रों को महत्व दिया गया और जो जीवन सरिताएं हैं इनका सम्मान किया गया। अरण्य क्षेत्र हो, सरिता क्षेत्र हो, सभी का सम्मान किया गया और हर अंचल से लोग इस स्वतंत्र आंदोलन में आए, यह इसकी विशेषता। तो सबसे बड़ा मूल्य था वह था उमंग, उत्साह और उत्सर्ग। जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें अद्भुत उमंग था, अद्भुत उत्साह था और राष्ट्र के लिए उत्सर्ग करने की अद्भुत भावना थी। हमारी स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य हैं जिन्हें हमें आज आजादी के अमृत महोत्सव पर अवश्य याद रखना, इसलिए याद रखना है कि इन मूल्यों से हमें ऊर्जा मिलती, इन मूल्यों से हमें प्रेरणा मिलती है, ये सारे मूल्य हमें विचार पथ पर, कर्म पथ पर आगे ले चलने के। आंदोलन का जो एक मूल्य था कि हम सहमत स्थापना, सहमत अर्थात राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए सहमत, और यह सहमत आंदोलन के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से सर्वानुमति में बदल जाए, और जब सर्वानुमति हुई पूरे देश में सबकी, चाहे स्वतंत्र आंदोलन की जितनी भी धाराएं रही, जब सब में सर्वानुमति नहीं तो अंग्रेजों को देश छोड़ने में समय नहीं। आज जो हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था में माननीय प्रधानमंत्री जी सहमत से सर्वानुमत तक बढ़ने की बात करते हैं, यह हमारे स्वतंत्र आंदोलन के मिलों का विस्तार है, इस पर चलना चाहिए। हमारे यहाँ सांस्कृतिक विविधता है और विविधता में एकता है, इसे भी हमें स्वीकार करना चाहिए। मूल भाव यही था पूरे स्वतंत्र आंदोलन में, जो संस्कृति के पर्व हैं उन पर हम ध्यान दें, लोगों की जीवन शैली है उसे एक राष्ट्रीय शैली बना लें जिसमें हर व्यक्ति अपने को राष्ट्र का सदस्य होने के नाते महत्वपूर्ण समझे, और वस्तुतः हर व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। यह बहुत महत्वपूर्ण भावना, इस पूरी भावना में हमने देखा कि किस तरह से इतिहास की रचना हुई, लेकिन इतिहास बोध उस तरह से सामने नहीं आया जैसा आना चाहिए था, इसीलिए हम इतिहास पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है, जिसके बारे में प्रोफेसर कपिलदेव जी संकेत कर रहे थे, और निश्चित रूप से हमारी वर्तमान पीढ़ी और युवा पीढ़ी को लगेगा कि हमारे राष्ट्र नायकों ने इस देश के लिए किया क्या, जिनके कारण हम स्वतंत्र वातावरण में द्रुत गति से प्रगति कर रहे हैं। तो उनके आदर्श वाक्य होते थे, गांधी जी ने जब कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये पूरे देश की आवाज, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा दिल्ली चलो तो हर व्यक्ति का मन हो गया कि हम उस दिल्ली में चले जहां अंग्रेजों का प्रभुत्व है और वहां से उन्हें बाहर करें, क्योंकि दिल्ली तो हमारी। जब उन्होंने जय हिंद का उद्घोष किया तो पूरे राष्ट्र ने जय हिंद का उद्घोष किया। जब तिलक ने कहा कि सत्यमेव जयते हमारी परंपरा का महानतम सूत्र वाक्य है, यह लोक वाक्य, मदन मोहन मालवीय ने कहा इसे, यह लोक वाक्य बन गया। और जब तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो प्रत्येक भारतीय बोलने लगा यह स्वतंत्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस पर हमें निरंतर विचार, हमें मालवीय जी द्वारा जो सूक्त था सत्यमेव जयते का लोक वाक्य बनाने का अभियान, इसे और विस्तार देना चाहिए। हम इस अमृत महोत्सव के अनंतर इन सारे मूल्यों को सहेजने का कार्य कर रहे हैं, और इसी के माध्यम से हमारे राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित है। इस प्रगति के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब व्यवहार में है, जिसमें शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र को नया स्वरूप देने की कोशिश की गई। एक नए युग का सूत्रपात जिसमें शिक्षा के दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य दोनों का समन्वय है, वस्तुतः इसकी आत्मा भारतीय है और इसका जो स्वरूप है वह वैश्विक है। अब उस वैश्विक स्वरूप में भी भारतीयता का बोध कराना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो दर्शन है शिक्षा का, उसमें कहा गया है सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वह है जो हमें बाधाओं से मुक्त करे, संकीर्णताओं से मुक्त करे, अभाव से मुक्त करे और भय से मुक्त करे, किसी भी प्रकार का भय नहीं। यह निर्भयता आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, हमें विधि द्वारा स्थापित नियमों का पालन करना। हमारे यहाँ जो इस देश की व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है संविधान, उसके निर्देशों का उसमें निहित
बातों का अनुपालन करना है, क्योंकि उसने हमें अधिकार दिया है, कर्तव्य दिया है और यह बोध दिया है कि राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सबसे पहले और सदा पहले, इस भाव को लेकर चलना। जहां तक शिक्षा के उद्देश्य की बात है तो इसमें तीन बातें प्रमुखता से आ, सत्य की तलाश, ज्ञान की प्राप्ति और बोध की प्राप्ति। और यह सब होगा जब हम शिक्षा में नवाचार के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, और तब इसके लिए शोध आवश्यक होगा। गुणवत्ता परक शोध के मामले से शिक्षा भी गुणवत्ता परक हो जाती है, और यह हमारी आत्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, राष्ट्रीय उन्नति का बायस बनती है। इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से हम निश्चित रूप से उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे जिसे हमारे राष्ट्र नायकों ने निर्धारित किया। स्वतंत्र सेनानियों के मूल्य आज हमारे लिए अवलंब है, और राष्ट्र नायकों द्वारा राष्ट्र के विकास के लिए जो किया जा रहा है वह हमारे लिए हमेशा प्रेरक है, अनुकरणीय है। हम लोग उस पथ पर चल रहे हैं जिस पर बढ़कर हम राष्ट्र को महानतम शक्ति बनाने में सफल होंगे। हम सब ने कोविड महामारी का दौर देखा है, लेकिन किस तरह संयम, सहयोग और समन्वय के माध्यम से, सक्रियता के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में हमने इस विषाणु को पराभूत किया है, हम इस बाधा से बाहर आए। अब समय है राष्ट्र के नव निर्माण का, इसे हम सभी मिलकर अवश्य पूरे करें। राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय समन्वय, राष्ट्र की अखंडता और स्वतंत्रता का भाव बहुत प्रबल था, राष्ट्रीय संप्रभुता का भाव अब बहुत प्रबल है। इसके लिए हमें निरंतर आगे बढ़ते हुए काम करना है। एक ऐसे राष्ट्र की रचना करनी है जिसमें सबके लिए एक सम्मानित स्थान हो, सबकी पहचान हो, सबके उत्थान का अवसर हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहे जहां तक शिक्षा न पहुंच जाए, हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर व्यक्ति विकास के पथ पर आगे बढ़े। आने वाली जो दुनिया है उसे हम ज्ञान की दुनिया कहते हैं, जिसमें टैलेंट और टेक्नोलॉजी दोनों का समन्वय होना है। हम प्रतिभा और तकनीकी के समन्वय के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं में नवाचार और शोध के माध्यम से, विषय में प्रवीणता के माध्यम से आने वाले समय में निश्चय ही ज्ञान की दुनिया की महानतम शक्ति बनेंगे। हमारे राष्ट्र नायकों ने यह सपना देखा है, संकल्प है उनका, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का यह सपना रहा है। जो भारत कभी विश्व गुरु रहा था, अब वह पुनः विश्व गुरु बनेगा, और यह बनने का जो संकल्प है, सपना है, शिक्षण संस्थानों से ही पूरा होगा। मुझे पूरा विश्वास है स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य, शिक्षा नीति के जो मानक है और श्रम की महत्ता, सबको ध्यान में रखकर हम भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, समर्थ और सशक्त राष्ट्र बनाने में सफल। आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए। अध्यक्षीय उद्बोधन पर कुछ टिप्पणी करना जो हम लोग के अधिकार और सीमा क्षेत्र से बाहर है, तो मैं हमारे एक राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कुंजारी सुरखिया सर